ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में सावन माह में लगने वाले मेलों की तैयारियों को लेकर मंदिर ट्रस्ट व प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सावन माह में होने वाले सोमवार मेलों व शिव मंदिर की तैयारियों को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस बार 22 जुलाई से मेलों का आगाज होगा व 12 अगस्त को अंतिम व चौथा मेला होगा। मेलों के दौरान प्रदेश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था करने व उनको सुविधा देने के लिए मंदिर से जुड़े पुजारी, ट्रस्ट व कर्मचारी तैनात रहेंगे तथा इनकी ड्यूटी भी निर्धारित की गई है। मंदिर के कबाट प्रातः 3 बजे खुले थे, तभी से श्रद्धालुओं का तांता लगने शुरू हो गया था तथा सुबह के समय आरती 5:30 बजे होगी। इसके साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था व शौचालयों को ठीक किया गया है। वही खीर गंगा घाट को जाने वाली सीढ़ियों की मरम्मत की गई है। साथ ही खीर गंगा घाट में बने महिला व पुरुष सनाना घर की ठीक करके वो बाहर नए पर्दे लगवाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए लंगर व पीने की पानी की उचित व्यवस्था की गई है। लाइनों में लगने वाले श्रद्धालुओं को बरसात में होने वाली समस्या से निपटने के लिए मंदिर परिसर में वाटर प्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा बल यातायात को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए पुलिस की मदद ली जाएगी, जिसके अतिरिक्त पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था परिसर में की गई है। अनिल शर्मा ट्रस्ट ने बताया कि मंदिर को प्राकृतिक फूलों से सजाया गया है, वहीं मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से भी सजाया गया है। उन्होंने बताया कि मेलों के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी, वो मंदिर के बाहर व अंदर पुलिस बल तैनात रहेगा। मेले के दौरान लगने वाले बाजार हाट व आवंटन की सही व्यवस्था कर दी गई है। राष्ट्रीय मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर एक ट्रक कार पर पलट गया, जिसके कारणों का कोई पता नहीं लगा है। ये घटना गंबर पुल के पास हुई है। कार में चालक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए चला गया था। कार सड़क के किनारे में खड़ी थी। सब्जियों से भरा हुआ ट्रक कुल्लू से दिल्ली जा रहा था। ट्रक चालक यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। तीखे मोड़ पर गाड़ी पर पलट गया, जिसमें किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उपायुक्त हरकेश मीणा की अध्यक्षता में आज यहां प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र की ओर से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत आवेदनों सहित अन्य मदों पर चर्चा की गई। श्री हरकेश मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों और विशेष तौर पर युवाओं को नया व्यवसाय प्रारंभ करने में उनकी आर्थिक सहायता करना है। जिला स्तर पर इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग केंद्र मिलकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18 साल से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। आज की बैठक में कुल 46 मामले प्रायोजक एजेंसियों के माध्यम से विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए गए। इनमें से 29 मामले जिला उद्योग केंद्र तथा 17 मामले खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें विभिन्न वित्तीय बैंकों को प्रेषित करने पर चर्चा की गई। इनमें सेवा मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, वर्कर्स, ब्यूटी पार्लर, साइबर कैफे, हेयर सैलून, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्विस वर्कशॉप, डीजे सिस्टम, मिठाई, पेपर प्लेट्स एवं कप इंडस्ट्री, फर्नीचर, फैशन ब्यूटिक,
फैशन ब्यूटी टेलरिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए आवेदन शामिल हैं। उपायुक्त ने उद्योग विभाग व खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे ग्रामीण स्तर पर इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक युवाओं को उद्यम स्थापित कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र विजय चौधरी, अग्रणी जिला प्रबंधक PNB GC बट्टी सहित अग्रणी बैंक के अधिकारी व समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।